अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे अपने घरों में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाहर, और बाहर मैंने आपको बताया था ना, मोबाइल पापा का ख़राब हो गया था और फिर वो सही करवाने के लिए दिया था। तो फिर आज जो है वो हम लोग गए थे लेने के लिए, तो उसका मैं शूट नहीं कर सकी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी जाते हुए, बहुत ज़्यादा। लेकिन वहाँ से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मौसम देखिए बहुत ही अच्छा हो गया था, एकदम ही जो है वो काले बादल आ गए। और ना ऐसे नहीं होता कभी धूप में बारिश हो रही होती है, उस तरह का सीन कुछ हो गया था क्रिएट। और यहाँ पे जो है मैं ड्राइव कर रही हूँ, तो साथ मैंने कहा चले आपके लिए थोड़ा सा शूट कर लूँ। और बस अभी जो है मैं घर पहुँचने ही वाली हूँ। मौसम देखें कितना प्यारा माशाल्लाह, और बारिश यहाँ पे जो है ना, पीछे से इतनी नहीं हुई थी बारिश, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई हुई थी पहले से ही। जब हम यहाँ पहुँचे तो सारी रोड बहुत गीली थी। अब मैं आ चुकी हूँ घर, और घर आने के बाद जो है वो भी मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के साथ जो है ये जलेबी हम लोगों ने रास्ते से ले ली थी, क्योंकि लेबर है हमारे साथ, सामने काफ़ी जो है वो काम हो रहा है, तो उनको भी दी फिर, और साथ हम लोगों ने भी अपने घर के लिए रखी। मैं जलेबी लिटरली बिल्कुल नहीं खाती थी पहले, तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी ना, मतलब एक पिंच होता है उसका यूँ टेस्ट कर लेती थी। लेकिन अब जो है वो थोड़ी थोड़ी खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी खा लेती हूँ। और जलेबी खाने के बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ, रिव्यू देती हूँ अपने हेडफोन्स का जो मैंने लिए हैं लैपटॉप के लिए स्पेशली, क्योंकि मैं ना साउंड जब डालती हूँ ना तो मेरे माइक का बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैंने काफ़ी हैंड फ्री यूज़ किए, लेकिन वो लैपटॉप के साथ अटैच नहीं हो रहे थे, बहुत ही प्रॉब्लम आई थी, बहुत इश्यूज़ आ रहे थे मेरे साउंड के, तो इसलिए भी मैंने लैपटॉप साथ ले गई और फिर मैं ये वाला लेकर आई हूँ। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। और यकीन करें इसकी साउंड बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। तो ये होता है ना कुछ, एक काफ़ी सारे और भी हेडफोन्स थे, लेकिन मुझे जो सूट किया मेरे लैपटॉप के साथ, मुझे यही अच्छा लगा था। तो ये इस तरह का है बेस साउंड है इसकी, यानी कि अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी साउंड इसके। शॉप पे ना ब्लूटूथ वाले भी थे, तो लेकिन मुझे ये था कि मुझे साथ माइक भी चाहिए था, तो इसलिए फिर मैंने यही चूज़ किया, क्योंकि आवाज़ डालना इसमें आसान होती है। तो माइक भी इसके साथ अटैच हुआ हुआ है, वायर वाला है कि इसकी चार्जिंग के भी इशू नहीं होता, तो इसलिए फिर मैंने यही वायर किया। ये इसके पिन आप अटैच कर सकते हैं लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर के साथ, या फिर आप मोबाइल फ़ोन पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ कि जो इसके ईयर पैड्स हैं ना वो मूवेबल है, यानी कि बहुत सॉफ्ट है, और इसको थोड़ा सा आप मूव कर सकते हैं। और मोबाइल का क्या इशू हुआ था वो मैं अब आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि ना मोबाइल हो गया रीसेट, और क्या नहीं था एक्चुअली उसके ऊपर पीछे से ही ऑटोमेटिक जो है रीसेट का ऑप्शन आ गया, और फिर जब रीसेट किया तो उसके अंदर जो ईमेल और पासवर्ड पहले डाला हुआ था, तो वो ईमेल तो याद था लेकिन पासवर्ड याद नहीं था, क्योंकि किसी से लगवाया था, तो पापा ने लगवाया था तो बिल्कुल भी उसका याद नहीं था। तो एक्चुअली ये हुआ कि ईमेल हम लोग ट्राई करते रहे लेकिन पासवर्ड था नहीं, तो इसलिए वो रिकवर नहीं हो सका। और प्रॉब्लम ज़्यादा इसमें हुई कि हमने रिकवर जो लगाते हैं ना फ़ोन नंबर या ईमेल, वो बिल्कुल नहीं लगाया हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। और ये इश्यूज़ आ रहे हैं जिन मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर रिकवरी फ़ोन नंबर नहीं लगा हुआ, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो पीछे से जो है वो इस तरह से रीसेट होकर बंद हो जाते हैं अगर आपको रिकवरी नहीं लगी हुई या पासवर्ड आपको नहीं याद, तो फिर वो बहुत इशू हो जाता है। इस तरह से फ्लैश तो हमने करवाया, लेकिन ये हुआ कि बहुत टाइम लगा, बहुत उस बंदे की मेहनत भी लगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है लगा हो गया, क्योंकि अगर ना होता तो फिर पूरा मोबाइल जो है वो ज़ाया ही था एक तरह का, जब आपका यूज़ ही नहीं हो रहा, ओपन ही नहीं हो सकता, तो एक तरह का वो फिर ज़ाया ही हो जाती है चीज़। तो इसलिए जो लोग यूज़ करते हैं अकाउंट्स अपने जितने भी हैं, यूट्यूब अकाउंट है या फेसबुक है, तो उन या फिर आपके जो गूगल प्ले स्टोर होता है उन अकाउंट में ईमेल जो आप लोग डालते हैं उस पर रिकवरी ज़रूर डाल लें, ज़रूर रखें, और उसको नोट कर लें, लिख लें, ताकि जब कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है, इशू हो जाता है इस तरह का, तो उस पर आप रिकवरी डाल के या फिर पासवर्ड आपको याद हो तो वो डाल के आप इसको ईजिली रिकवर कर सकें। और ये देखिए जी, एयरफोन के जो पैड है ना, ये भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट सा है, इसको ईजिली जब मैंने इसको वेयर किया तो बहुत ही मुझे सॉफ्ट लगा, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैंने पहना हुआ है। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही थी, अपने दुआ में याद रखिएगा। विल मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।